आज हनुमान जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि देश भर के मेरे परिवार जनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंग बली। हनुमान जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद में सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी दी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। आज हनुमान जयंती है तो देश में कई जगह पर कार्यक्रम है और आज हनुमान जी की पूजा अर्चना मंदिरों में चल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों से प्यार करते हुए दुलार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। आज मुख्यमंत्री योगी पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। सीएम योगी अमरोहा, मुरादाबाद, बागपत और साथ ही मेरठ के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले सीएम योगी अमरोहा पहुंचेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12 बजे सीएम योगी प्रकाश वीर शास्त्री इंटर कॉलेज रहरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:50 पर सीएम योगी बागपत के बड़ौत पहुंचेंगे। यहां वो जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौत में जनसभा को संबोधित करेंगे। बागपत में सीएम योगी के साथ में जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद में शाम करीब 4:15 सीएम योगी मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ में पुरानी दिल्ली चुंगी से घंटाघर मेरठ तक रोड शो करेंगे। सीएम योगी अमरोहा के बाद में मुरादाबाद जाएंगे। यहां पर वो दिवंगत बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के पैतृक गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह को 20 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। सर्वेश सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीजेपी ने उन्हें मुरादाबाद से चुनाव मैदान में उतारा था। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी आज ताबड़तोड़ जनसंपर्क करेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे और इस दौरान 12 से ज्यादा गांव में पहुंचकर स्मृति ईरानी अपना चुनाव प्रचार करेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांव गांव जाकर जनसंपर्क कर रही है और स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनाव ताल ठोकने जा रही है। 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 50,000 से ज्यादा वोटों से पटखनी दी थी। तो स्मृति ईरानी जो कि काफी दिनों से अमेठी के दौरे पर हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, बीजेपी की उपलब्धियों को गिना रही हैं और आज भी उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। लोगों से बातचीत करेंगी और साथ ही जनसंपर्क करेंगी। 2024 में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगी। और बहुजन समाज पार्टी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई है। बीएसपी की आज मेरठ और अलीगढ़ में जनसभा होगी। जनसभाओं को बीएसपी अध्यक्ष मायावती संबोधित करेंगी। मेरठ में अलीपुर हापुड़ रोड पर दोपहर 12 बजे बीएसपी की जनसभा होगी। इसके बाद में दोपहर करीब 2 बजे बीएसपी सुप्रीमो मायावती अलीगढ़ पहुंचेंगी और अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और फुबंटी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे।
लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और बागपत के दौरे पर रहेंगे। अलीगढ़ में सपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और SP अध्यक्ष अलीगढ़ में कोहिनूर मंच नुमाइश ग्राउंड में 12:45 पर जनसभा होगी और अलीगढ़ के बाद में SP अध्यक्ष बागपत जाएंगे। बागपत में SP प्रत्याशी अमरपाल शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:10 पर खिवाई मोड़ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर की। अमेठी में एक बार फिर से पोस्टर लगाए गए हैं, एक बार फिर से राहुल बिन अमेठी सून के नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि एक सवाल पैदा होता है, क्या राहुल गांधी अमेठी लौट रहे हैं? क्या एक बार फिर से अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का मुकाबला देखने को मिलेगा? जैसी अटकलें थी संभावनाएं भी वैसी ही नजर आने लगी है। पोस्ट वॉर शुरू हो गया है, राहुल गांधी का इंतजार शुरू हो गया है। तो क्या अमेठी लौटेंगे राहुल गांधी? क्या वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे राहुल गांधी? कम से कम अमेठी में लगे पोस्टर्स को देखकर तो यही कहा जा रहा है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जगह जगह से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। लगातार अमेठी में कांग्रेसियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे। एक पोस्टर लगा हुआ है केंद्रीय कार्यालय में, जिसमें साफ लिखा हुआ है राहुल बिन अमेठी सून। ये अवनीश मिश्र हैं और ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं गौरीगंज कांग्रेस कमेटी के, और इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। लगातार अमेठी से मांग की जा रही है कि अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कभी अमेठी की सियासत पर एक छत्र राज करने वाले गांधी परिवार की नींव को स्मृति ईरानी ने अकेले उखाड़ कर रख दिया। हालात ये बने कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़ वायनाड जाना पड़ा, लेकिन ना चाहिए। और हम लोग जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे अमेठी से। कोई अपना घर नहीं छोड़ता है, कोई देश चला जाता है, प्रदेश चला जाता है, लौट के आता है अपने घर। एक ना एक दिन आएंगे वो और यहाँ चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की तैयारी की जा रही है कांग्रेस? तैयारी हमारी बूथ स्तर तक है, पूर्वा प्रभारी तक पूरा कंप्लीट है। केवल इंतजार है कि हमारा नेता आए, और हम लोग डटे भी हैं और डटे रहेंगे भी, और चुनाव 4 लाख से पार करेंगे। वो 400 का नारा दिए हैं मोदी, तो अमेठी से 4 लाख पार का नारा हमारा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी को लेकर भी अटकलें लगाई गईं, लेकिन राहुल गांधी अगर अमेठी लौटते हैं तो BJP के उन दावों को दम मिलेगा जिसे स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक दोहरा चुके हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के लिए किसी और सीट के ऐलान का जिक्र किया था। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है, ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे, और मेरे कहने के एक महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से रिश्ता तोड़कर वायनाड चले गए। स्मृति ने राहुल गांधी को लापता सांसद बताया। 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा।
लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। 15 साल लापता सांसद को सबने ढोया, 15 साल सम्मान किया रिश्तों का, जब वो रिश्ता तोड़ गए, अब आएंगे 26 बाद नया रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे। कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी लौटते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होना तय है। हालांकि स्मृति ईरानी ने अमेठी की जड़ों से जुड़कर आम लोगों के बीच जो मजबूत पैठ बनाई, उसके आगे कांग्रेस कहां टिक पाती है, ये देखना और भी दिलचस्प होगा। अमेठी से न्यूज 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट।